हमारा शहर, हमारी दिल्ली, जहाँ बहुत से लोग रहते हैं और हर समय चहल पहल रहती है। आइए भीड़ से निकलकर पांच लड़कियों की कहानी देखते हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किए। यह कहानियां तो अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हैं। ये जुड़ाव है जल्द और जबरन शादी के खिलाफ संघर्ष का, और ये कहानी है बंदिशें तोड़ने की। यह लड़कियां वैसे तो बहुत साधारण हैं, आपकी और मेरी तरह, मगर जो इन्होंने किया वह बिल्कुल साधारण नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पिंकी का सफर, किस तरीके से जल्द शादी प्रभाव डालती है शिक्षा पर। प्रगति के पथ पर असमानता की कोई जगह नहीं। शिक्षा एक ऐसा पथ है जो जेंडर से जुड़ी सारी असमानताओं को धुंधली कर देता है। मेरा लड़की या लड़का होना मुझे शिक्षा लेने से नहीं रोक सकता। शिक्षा हर किसी का हक और अधिकार है। शिक्षा जेंडर से परे है। जब हमारी जल्दी या जबरन शादी होती है, तब हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारा समाज शिक्षा को अहमियत नहीं देता, लेकिन शादी को अहमियत देता है। हमें खेलने के लिए बढ़ावा नहीं दिया जाता। ये क्या खेलती रहते, काम नहीं करना। हमें तकनीकी शिक्षा के बारे में नहीं बताया जाता। ये मैंने लगा दी, लाइट जला दी। इसी वजह से हम धीरे धीरे समाज में पिछड़ जाते हैं, जिस कारण से हमें दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं होता। लेकिन मैं एक लड़की हूँ जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ और प्रगति के पथ की असमानताओं को तोड़ना चाहती हूँ। हमारी अगली कहानी है दुर्गा की। उसने किस तरीके से अपनी शादी को रोका और अपने पैरों पर खड़ी हुई। आजाद जिंदगी की उम्मीद। मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मेरी सोच इस चार दीवारी के बाहर भी जाती है। मैं अपनी जिंदगी इस चार दीवारी के बाहर जीना चाहती हूँ। मैं अपनी रंग बिरंगी सोच को आगे ले जाना चाहती हूँ।
मैं भी घर के बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ। सारी करनी नहीं करनी करनी नहीं करना है बेटा नहीं करनी है शादी। पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। शादी करना नहीं शादी करना नहीं शादी करना नहीं शादी करना शादी करना नहीं नहीं मैं नहीं चाहती मैं कर्जे में डूबूं। मैं चाहती हूँ मेरी मेहनत का भी सम्मान हो। थैंक यू पापा। मैं भी आत्मनिर्भर बन सकूं ताकि मैं भी आप लोगों के बीच से ही एक चमकता सितारा उभर सकूं। मेरी अगली सहेली है मेघा, जिसके पास बहुत से सवाल हैं समाज के लिए, खासकर उन विषयों और बातों पर जब लड़कियों की जल्द और जबरन शादी कर दी जाती है और वह सामना नहीं कर पाती उन पर होने वाली हिंसा का। मैं कब बड़ी हुई? पंशु थोड़ा सा अपने बचपन में किसी और के बचपन को संभालना। सब में काक हो गया मेरा बचपन। मैं कब बड़ी हुई? बचपन में जब बड़ी जिम्मेदारी सर पर आ जाती है तो उन्हें कैसे संभालूं? मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी का फैसला लेना क्या ये मुझे मानसिक तनाव नहीं देगा? क्या ये भी एक तरह की हिंसा नहीं है? अगर शादी के बाद मुझ पर शारीरिक हिंसा हो तो मैं क्या करूं? मुझे सिखाओगे क्या? क्या मुझे सहना चाहिए? क्या मुझे आज्ञा का पालन करना चाहिए? जो शादी के बाद मुझ पर होने वाली है हिंसा, क्या लड़ना सिखाओगे मुझको? हाँ।
मैं बोलते बोलते बहुत थक गए, अब आप खुद ही देख लीजिए। कहते हैं एक कमजोर शरीर रुकावटों की निशानी होती है। एक स्वास्थ्य जीवन की शुरुआत। मेरी माँ की छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई थी। छोटी सी उम्र में परिणाई यो बाबा सा, कहीं थारो करो में कसूर हो, कहीं थारो करो में कसूर। मैं अतरा दिन तो माने लाडी लड़ा। पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान रखती है, घर का काम नहीं करेगी। ये किताब मुझे दे, काम तुझे नहीं दिखता है। गांव में भटकना और देखना करना, लड़कियों के साथ में घूमना, घर का काम कुछ नहीं दिखता तुझे। माँ बाप के पास कुछ सीखा कि नहीं सीखा? माँ ने कुछ बताया भी नहीं होगा घर का काम करना चाहिए। तेरा दिन तो माने लाड़ी लड़ाया, अब क्यों करो सामाने दूसा, अब क्यों करो सामाने दूसा। भेजो तो भेजो बाबुल मरीजी है तारी, भेजो तो भेजो बाबुल मरीजी है तारी, समण में बुला जे जरूर में। उन्हें पता नहीं था कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, कौन सी दवाई लूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी तंदुरुस्त हो, ताकि वह दुनिया की रुकावटों का टटका सामना कर सके। अब बात करते हैं चुनाव की, अपनी इच्छाओं की। मेरी शुरुआत। बचपन में मुझे हर किस्म की आज़ादी होती है, खेलने की, बोलने की। जोर जोर से हंसने की। पर क्या यह आज़ादी आगे भी मेरे साथ रहेगी? मेरी जिंदगी के फैसले करने की आज़ादी मुझे नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। अरे बिंदास, मौसम भी सुहाना, आ बैठना मेरे पास, कहाँ आ रही है चमिया? कम से कम मुझे शादी सब समझने का समय तो दो। बचपन में दी गई आजादी मेरे साथ ही रहने दो।
मैं शादी को मना नहीं करती, पर मैं शादी करूंगी अपनी मर्जी से। इन सभी लड़कियों ने छोटी सी उम्र में संघर्ष किया जल्द और जबरन शादी के खिलाफ। क्या आप लोग भी हमारा साथ देंगे यह बंदिशें तोड़ने में?